बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी तहरीन सलीम कसीरी। हाउ आर यू स्टूडेंट? आई होप सो यू आर ऑल्सो फाइन, सेफ एंड स्टे होम एज वेल। एज यू नो, टुडे जो इस्लामिक क्लास सेशन सेवन आपका चल रहा है इस्लामिक का, तो आज की क्लास में आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो जल्दी से अपनी बुक्स को चेकआउट कर लें और पेंसिल होल्ड कर लें, जो जो मैं आपको समझाती जाऊँ साथ साथ आप राइट कर दीजिएगा, ठीक है? तो लेट मी स्टार्ट द रीडिंग एंड चेक आउट योर बुक। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की क्लास का स्टार्ट लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम पेरेंट्स की तरफ चलते हैं और जो न्यू चैप्टर है इसका नाम देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमानत, सफ़ा नंबर है 58। तो हम सफ़ा नंबर 58 की तरफ चलते हैं। आज इसके तमाम रीडिंग कर लेंगे और अगली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर को टैली कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम मूव करते हैं सफ़ा नंबर 58 की तरफ। जी, तो यहाँ पर स्टार्ट लिया जाता है अमानत। जी, अमानत का मफहूम ये है कि इंसान के पास किसी की जो चीज़ हो वो उसमें बगैर कोई कमी किए इसे पूरी की पूरी वापस कर दे। अमानत का मफहूम सिर्फ इंसानों तक ही महदूद नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के हुकूक अदा ना करना, अल्लाह ताला से खयानत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक अदा ना करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खयानत और लोगों के हुकूक अदा ना करना लोगों से खयानत है। अल्लाह ताला ने इन तीनों अमानतों में खयानत से बचने का हुक्म देते हुए फरमाया है, ठीक है? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सिर्फ अमानत का मफहूम ये नहीं कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसमें बगैर कमी किए उसी को पूरी वापस करना है, लेकिन अमानत में ये सब चीज़ें भी शामिल है। ये तो शामिल है ही कि अगर आपको किसी ने कोई चीज़ रखाई है तो उसमें कोई कमी किए बगैर उसको वैसी जैसी थी वैसे ही वापस कर देनी है, लेकिन साथ ये भी है कि अगर आपने क्या है तीन बातों का भी ख्याल रखना है। पहली बात ये के अल्लाह के हुकूक अदा ना करना, ठीक है, ये भी खयानत है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक अदा ना करना ये भी खयानत है, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खयानत और लोगों के हुकूक अदा ना करना लोगों से खयानत करना, ठीक है? तो इन सब बातों का भी ख्याल रखना है कि ये भी किस में शामिल है, अमानत खयानत में शामिल है। अगर हम इन हुकूक को अदा नहीं करेंगे तो हमने क्या किया, हमने अमानत में खयानत की है, सही? तो अल्लाह ताला ने इन तीन अमानतों में खयानत से बचने का हुक्म दिया है कि या युहल्लज़ीना आमनु लताखुनुल्लाह व रसूलहु व तखुनु अमानतीकुम व अंतुम तअलमून। ए ईमान वालों, ना तो अल्लाह और उसके रसूल की अमानत में खयानत करो और ना अपनी अमानतों में खयानत करो, और तुम इन बातों को जानते हो। क्या जानते हैं? कि हम हर ये कि अगर हमने किसी की अमानत ली है तो उसे वापस लौटानी है जैसी थी वैसी, ठीक है? और किसी की अमानत में कोई खयानत नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हमारी चीज़ों की अमानत हो किसी की, या फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत हो, या अल्लाह पाक के हुकूक की अमानत हो, ठीक है? तो किसी भी अमानत में खयानत करना नहीं चाहिए। इसके बाद है, अल्लाह ताला ने ईमान वालों को अमानतदारी अपनाने का हुक्म देते हुए फरमाया है, ठीक है? अल्लाह ताला एक और जगह पर फरमाते हैं कि इन्नल्लाह यामुरुकुम अन्ना तुहद्दू लामानती इलाहा आलिहा। तर्जुमा, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें इनके हवाले कर दिया करो, ठीक है? अल्लाह पाक का हुक्म है कि आपने जिससे भी अमानत ली है उसे लाजमी लौटानी है, ठीक है? क्योंकि कयामत के दिन इसका भी आपको हिसाब देना होगा कि अगर आपके पास किसी शख्स ने या किसी ने भी कोई अमानत रखवाई है आप पे भरोसा करके, तो लाजमी आपने क्या है कि उसे एज इट इज़ वापस करनी है। ओके, अमानत और दीन का आपस में इतना गहरा ताल्लुक है कि अगर अमानत ख़त्म हो जाए बाकी नहीं रहता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदारी की बहुत ताकीद फरमाई। अमानत व दयानत को दीन की असास करार दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ठीक है? अमानत क्या है? अमानत एक दीन का, अमानत और दीन का आपस में एक गहरा ताल्लुक है, ठीक है? जैसे कि अगर आप अमानत किसी की ले रहे हो, अगर आप वापस नहीं कर रहे तो ज़ाहिर है आप वापस नहीं कर रहे हो तो झूठ आप बोल रहे हो, उसमें गलत बात बयान कर रहे हो उसमें, तो पहला गुनाह उसमें क्या हो गया कि आपने झूठ बयान, जो आपका जो बयान है वही आप गलत दे रहे हो, ठीक है? तो झूठ का जो आपके इस्लाम में जो है वो भी क्या है, बहुत बड़ा मतलब है कि अगर आपने झूठ बोला किसी भी इसमें तो आपको उसकी भी उसका भी जो है ना सज़ा मिलेगी इसकी भी। तो अमानत में दीन का और आपस में इतना गहरा ताल्लुक है कि अगर आप अमानत ख़त्म हो जाए तो दीन बाकी नहीं रहता, सही? और इसके अलावा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदारी को बहुत ताकीद फरमाई, कहाँ पर? यहाँ पे ला ईमान लमिनल्लाह अमानतहु लहु वला दीन लमन ला अहद लहु, कि जिसमें अमानत नहीं उसका ईमान नहीं और उसका दीन नहीं जो अपने वादे को पूरा नहीं करता, ठीक है? क्या फरमाया है कि जिसमें अमानत नहीं उसका ईमान नहीं, कि अगर आपके अंदर अमानत नहीं है किसी के लिए, अमानत की खयानत कर रहे हैं तो आपके अंदर दीन बाकी नहीं रहा, ठीक है? और उसका दीन नहीं रहा, सही, तो वो अपने वादे को पूरा नहीं करता,
ज़ाहिर है अगर आप किसी की अमानत वापस नहीं करोगे तो आपने खयानत कर दिया, एक कमिटमेंट था वो आपने पूरा नहीं किया, सही। तो ये अमानत में क्या है, खयानत है, और आपने अपना वादा भी पूरा। इसके बाद खयानत एक ऐसी बुराई है कि जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी तौर पर पनाह मांगा करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगा करते थे कि खयानत क्या एक ऐसी बुराई है जिससे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी तौर पर दुआ करते थे। कि आपको पता है जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई भी दुआ करते हैं तो खुसूसी दुआ करते थे, और अल्लाह पाक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कहा को मानते थे, ठीक है। तो क्या थे, उनके लिए खुसूसी दुआ करते थे पनाहगाह के लिए ख़ास तौर पर। आप सल्लम का फरमान है कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबी का मिनल खयानती फ़ाइन्नहा बिअसाती बितानतुहु, क्या है, ए अल्लाह मैं तुझसे खयानत से तेरी पनाह मांगता हूँ, और ये एक बहुत बुरा अंदरूनी साथी है, ठीक है। ये क्या है, एक हमारा अंदरूनी साथी है कि अल्लाह ताला मैं तुझसे क्या चाहता हूँ, खयानत से तेरी पनाह मांगता हूँ कि मुझे कभी ऐसा ना करना कि मैं किसी की अमानत का खयानत कर सकूँ, और मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ। और ये एक बहुत बुरा अंदरूनी साथी है, हमारे अंदर का एक क्या है, एक बहुत बुरा अंदरूनी साथी, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा नफ्स ही हमें बेकारा होता है, हमारा जो अंदर हमारी जो रूह होती है हमें बेकारी होती है हर तरफ से कि हमें ये नहीं ये गलत काम करना है, लेकिन हमें अगर हमारा ईमान हो, हमारा इस्लाम पे पुख्ता यकीन हो, तो हमें ये सब चीज़ों के लिए रुक सकते हैं खुद, ठीक है। इसके बाद है, हमें हर हाल में अमानत को अपनाना चाहिए। अगर हमारा कोई साथी हमें कोई राज की बात बताए तो ये बात इसकी अमानत होगी। देखें अब यहाँ पे क्या बात होगी, चीज़ों के अलावा भी क्या एक बात है कि राज की बात, ठीक है। अगर आपको आपके किसी दोस्त ने कोई राज की बात बताई है, कोई इसकी ऐसी बात बता दिए जो सिर्फ आप और आपका दोस्त जानते हैं, ठीक है, जाने, और वो उसने सिर्फ आपको अपना दोस्त अपना साथी अपना अच्छा मतलब एक अच्छा एक साथी समझ के अगर उसने अपनी कोई बात शेयर की तो लाजमी क्या है कि आपने उसकी बात को अमानत ही रखना है। उसको हमें चाहिए कि हम इसकी हिफाजत करें और वो बात किसी और को ना बताएं। अगर कोई हमारे पास अपनी कोई चीज़ अमानत के तौर पर रखवाए तो हमें वो पूरी की पूरी बगैर किसी कमी पेशी के इसे वापस करनी चाहिए, सही। अगर हमें किसी ने कोई चीज़ भी रखवाई है तो उसमें क्या करना चाहिए कि हमें बगैर किसी कमी पेशी से वैसे ही वापस करनी चाहिए, उसमें कोई रत्ती भर भी चेंजिंग नहीं करनी चाहिए, सही। हमारी जान, हमारा माल, हमारा ईमान, हमारा वक्त, और इनके अलावा जो कुछ हमारे पास है सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास अमानत है, ठीक है। क्या क्या अमानत है, हमारी जान, हमारा माल, हमारा वक्त, और इनके अलावा जो कुछ हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास जो भी नेमतें हैं, जो जो चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो हमारा घर हो, ठीक है, हमारे रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से दी गई अमानत है, तो इनका हमें ख्याल रखना है, ठीक है, और इन्हीं को अच्छे से अपनी ज़िंदगी में इनका मतलब इस्तेमाल में लाना है कि चाहे वो आपकी जान हो, हमारा माल हो, या हमारा वक्त हो, वक्त को भी हमें क्या करना है कि अच्छे अच्छे कामों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपका जो माल है अच्छे मतलब माल अगर जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो क्या करना है, वो गरीबों में बांटें, ठीक है। इसके अगर जान, हमारी जान क्या, हमारी अपनी ज़िंदगी, हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसी जगह खर्च नहीं करनी चाहिए कि जहाँ से हमें इसका कोई आखिर में इसका अजर ना मिले, ठीक है। तो हमारा वक्त, हमारी जान, हमारा माल, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग हम घर में रहते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी करते हैं, वो सब क्या है, अल्लाह ताला की अमानत है। तो हमें उन सब का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और हर उसको हर अच्छे अमल में करना चाहिए, सही। अच्छा, बाद दफ़ा आप लोग गेम ज़्यादा खेल लेते हैं, आजकल बहुत बहुत ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे जो है पबजी खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, तो ये इसलिए मुझे एकदम से वक्त पे याद आ गया कि आप ना नहीं है किसी को भी, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, ठीक है, तो हर चीज़ को लिमिटेड रखो, सही। इसके अलावा सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास अमानत है, ठीक है, तो हमारे पास सब क्या है, अल्लाह ताला की अमानत है, जो हमें अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उनको सही कामों में करना है। अगर हमने इन चीज़ों की कदर ना की, पैसा फजूल खर्ची में उड़ा दिया, मेहनत ना करके वक्त ज़ाया किया, तो हमें अल्लाह ताला की अमानतों में खयानत करने वाले होंगे, ठीक है। अगर क्या है यहाँ पे, अगर हमने चीज़ों की कदर ना की, चीज़ों की कदर मतलब जैसे पैसा फजूल खर्ची में उड़ा दिया, पैसा फजूल खर्ची में। अच्छा, अब ये ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ बता रही हूँ, क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं कि जो स्टेशनरी वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि स्केल ले लिया, तोड़ दिया, पेंसिल को ज़्यादा शॉर्प करके ख़त्म कर दी, ठीक है, इंक की बॉटल्स को उड़ा रहे हैं, फेंक रहे हैं, मतलब केयरलेस हो गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों का भी ख्याल करना है कि फजूल खर्ची, आप ज़ाहिर है अगर आप इसको ज़ाया कर दोगे तो आपको फजूल खर्ची में इस्तेमाल
फजूल खर्ची में ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा आप ले चुके हो फिर दोबारा ये होगा कि दोबारा इसको आपने परचेज़ करना होगा, सही। इसके अलावा है कि पैसा फजूल खर्च में उड़ा दिया फिर मेहनत ना करके वक्त ज़ाया करना, ठीक है। अब जैसे कि ट्यूशन का टाइम है या स्कूल टाइम है, अगर आपने स्कूल टाइम में ट्यूशन के टाइम में आपने स्टडी नहीं की, ठीक है, तो आपने अपना वक्त ज़ाया कर दिया, क्योंकि आपको एक टाइम दिया हुआ है कि आपने उस टाइम को यूटिलाइज़ करना है अपने उसी वक्त में, ठीक है। कि अगर आपका स्कूल का टाइम है तो आपने लाजमी स्कूल के टाइम में स्टडी ही करनी है और ट्यूशन के टाइम में भी स्टडी करनी है। जैसे कि आपके खेल के वक्त में आप अपना सिर्फ खेल खेलते हो, कोई और काम नहीं करते हो ना, तो इसी तरीके से आपने ये करना है कि अगर आपको स्कूल के लिए टाइम दिया जा रहा है, ट्यूशन के लिए टाइम दिया जा रहा है, आपकी पढ़ाई के लिए एजुकेशन के लिए, तो आपने उसको यूटिलाइज़ करना है, उसका वहाँ पर जो वक्त है वो ज़ाया नहीं करना है। तो हम अल्लाह ताला की अमानतों में खयानत करने वाले होंगे अगर हमने वक्त ज़ाया करते, तो हम क्या होंगे, अल्लाह ताला की अमानतों में खयानत करने वाले होंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत व दयानत की इस कदर मशहूर थी, ठीक है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी इससे इनकार नहीं कर सकते थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लकब से पुकारते थे, ठीक है। तो देखो आप ये देखें कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत व दयानत इस कदर मशहूर थी कि इनके दुश्मन भी बतलाते थे कि नहीं, अगर इनके दुश्मन हैं भी तो क्या हो गया, बोलेंगे नहीं भैया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, एक इमानतदार इंसान है, वो कभी अमानत में खयानत नहीं कर सकते, ठीक है। और तभी वो उनको किस लकब से पुकारते थे, सादिक और अमीन के लकब से पुकारते थे। अल्लाह ताला ने मोमिनों की सफ़ात का जिक्र करते हुए फरमाया है, ठीक है, क्या फरमाया है कि वल्लज़ीना हुम लियमानतिहिम वअहदिहिम राऊन, ठीक है, और जो अमानतों और इकरारों को महलूज रखते हैं, जैसे कि हम पर भी लाजिम है कि हम हर हाल में अमानत व दयानत को इख्तियार करें, क्योंकि ऐसे लोग ही कामयाब होते हैं, सही। कि हम पर भी क्या है, लाजिम है कि हमें हर हाल में अमानत व दयानत का इख्तियार करना चाहिए, और ये क्या है, अगर हम इस चीज़ में अगर हमने इसको पूरा किया तो हम क्या हो जाएंगे, हम कामयाब लोगों में शामिल हो जाएंगे, जैसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में कामयाब थे, कामयाब लोग में शुमार हैं, ठीक है, तो हम इनकी तरह क्या हो जाएंगे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर था मैंने आज आपको अच्छे से रीड करके बता दिया है, अब इसी में से इसकी ब्लैंक्स हैं और इसी में से इसके ट्रू फॉल्स, सही गलत और खाली जगह दोनों इसी में से होंगी, ठीक है। तो पेपर्स के लिए आपने ये करना है कि चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और फिर ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के लिए रेडी होना है, सही। तो इसकी जो अगली क्लास होगी, इसकी अगली क्लास में मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर टैली करवाऊंगी, रिवीजन करवाऊंगी। और आज की जो क्लास आपकी थी वो यहीं पे एंड की जाती है, कंप्लीट चैप्टर की रीडिंग हो चुकी है, साथ साथ मैं आपको समझाती गई हूँ और जहाँ जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लम का फरमान था तो वो सब आपको साथ साथ बताती गई हूँ, ठीक है। तो आई होप सो आपने क्या करना है कि डेली रीडिंग करनी है इसकी क्लास के लिहाज से और जो चैप्टर के लिहाज से, सही। और इसके अलावा आपने अगली क्लास में ये करना है कि कॉपी को बिल्कुल रेडी कर देना अपने वर्क को और फिर हम इसको टैली करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।